हेलो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में आपको आज ट्रेनिंग दूंगा और कल फायर के बारे में ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। प्रेड एक साथ सावधान, सब लोग सावधान में है। आपको पता है सावधान में क्या होता है? सावधान में हमारे दोनों एड़ी, कौन से? हमारे पीछे पैर के दोनों एड़ी चिपके हुए रहने चाहिए। है सबके चिपके हुए? देखो चिपका हुआ नहीं है, एड़ी को चिपका के रखो और पंजे में 5 से 6 इंच का गैप रहना चाहिए। कितना? 5 से 6 इंच का गैप रहेगा, ठीक है। और मूठ हमारी बंद रहेगी इस तरह से, कलाई नीचे की तरफ जाएगी और सिलाई के पीछे हमारा हाथ होगा, सिलाई के पीछे बराबर। और 1 2 3 4 चारों उंगली कहाँ पे टच होगी? यहाँ पे। और पूरा हाथ सटा हुआ नीचे की तरफ बदन को चिपका हुआ रहेगा, ओके, ठीक है। इसी तरह हमको सावधान में रहना और सामने सामने की तरफ हमको देखना है, यहाँ वहाँ मुड़ना नहीं है, ठीक है। प्रेड एक साथ विश्राम, विश्राम में देखिए हमारा एड़ी, दोनों एड़ी के बीच में 12 इंच का गैप होगा, समझ गए? सबको मालूम होना चाहिए हमारे एड़ी में विश्राम के वक्त 12 इंच का गैप होगा और पंजे में 16 इंच का। कितना पंजा? यानी इस तरह से हम लोग खड़े हैं तो 2 इंच यहाँ पे, 2 इंच यहाँ पे, ये 12 इंच और 2 इंच यहाँ पे, 2 इंच यहाँ पे होने के बाद 16 इंच होते हैं, ठीक है। और दो हमारे दोनों हाथ कहाँ पे रहेंगे? पीछे की तरफ। कहाँ पे रहेंगे? पीछे की तरफ। किस तरह से? यहाँ पे इस तरह से जो गैप है ये गैप नहीं रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा, पूरा नीचे की तरफ जाएगा। देखो तुम्हारा गैप है, गैप नहीं रहेगा। जब भी हम लोग विश्राम में खड़े रहेंगे तो हमारा पैर में 12 इंच का गैप रहेगा। देखो 12 से ज़्यादा है कुछ, हाँ 12 इंच और 16 इंच में एड़ी 12 इंच की रहेगी और 16 इंच की पंजे रहेंगे बराबर। और पीछे हमारा हाथ सटा हुआ रहेगा, सामने देखेंगे, ठीक है, ओके। अभी आपको मैं सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा, सिक्योरिटी क्या होती है। हाँ आपको पता है सिक्योरिटी का स्पेलिंग? कौन बता सकता है? आप बताओ सिक्योरिटी का स्पेलिंग। हम लोग सिक्योरिटी में है ना? यस सर। हाँ बताइए, आप बताइए। नहीं मालूम। बताओ सिक्योरिटी का स्पेलिंग, सिक्योरिटी का स्पेलिंग बताओ। SECURITY। क्या है? SECURITY क्या है? दोहराओ जो मैं बोलता हूँ, आप दोहराओ। क्या करोगे? दोहराओगे जो मैं बोल रहा हूँ, समझ गए? सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है? SECURITY, ओके। सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है? SECURITY। आर के बाद आई आता है, क्या आता है? आई के बाद टी के बाद वाई। सबको मालूम पड़ गया? सब बोल सकते हो? जोर से बोलो, SECURITY। सिक्योरिटी पहला अल्फाबेट क्या है? सिक्योरिटी का पहला अक्षर एस से शुरुआत होती है। एस यानी सिक्योरिटी गार्ड। मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। आप क्या हो? एक सुरक्षा रक्षक। क्या है आप लोग? एक सुरक्षा रक्षक। किस काम के लिए है? जान की रक्षा करने के लिए। अपनी जान बचा के दूसरों की हमको क्या करना है? जान बचाना है। सिक्योरिटी का पहला काम क्या है? अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना, सुरक्षा रक्षक का काम, ठीक है, जान की रक्षा करना। दूसरा काम माल की रक्षा करना। कौन सा माल? इस परिसर में जो हमने, हमारी कंपनी ने जो हमको अपॉइंट किया, यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है। और कौन सा एम्प्लॉय? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? मालिक। और फिर बाद में दूसरा एम्प्लॉय कौन होता है? सिक्योरिटी एजेंसी, बराबर है। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड। ये तीनों में मिली भगत होके हमको काम करना रहता है। हमको रिपोर्टिंग का हमारे मालिक को भी करना है, बराबर, कंपनी के मालिक को भी करना है, और जिस जगह पे हम लोग काम करते उस मालिक के स्टाफ को भी हमको करना होता है। तो समझ गए? तो सुरक्षा का काम है, सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जान की रक्षा करना और माल की हिफाजत करना। जिस परिसर में हम हैं उस माल की, परिसर की हिफाजत हमको करना है। वो चाहे वो
वो मालमत्ते की हो या कोई गंदगी फैलाता है उसकी हो या कोई नुकसान करता है किसी का किसी चीज़ का तो उसका भी है, समझ गए। अगर कोई थूकता है तो भी हमको उसको मना करना है क्योंकि हम इस परिसर की क्या करिए कर रहे हैं, हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सुरक्षा कर रहे हैं, बराबर। मालमत्ता की सुरक्षा करना हमारा काम होगा। तीसरा का क्या काम है हमारा, तीसरा काम क्या है हमारा, सबको सबका सम्मान करना। क्या करना है हमको, सबका बराबर सम्मान करना। आप भी सम्मान कैसे करोगे, जो भी सामने से आता है तो उसको क्या करोगे, आप क्या करेंगे, आप लोग विश करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करते हैं विश आप लोग, सामने वाले जब आते हैं तो कैसे विश करते हैं आप, जय हिंद सर क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर बोलते हैं कि नहीं, उसी तरह आपको जबान खोलना है और क्या करना है, जबान खोलना है और गुड मॉर्निंग बोलना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसे मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर, बराबर, सबको बोल दिया मैंने गुड आफ्टरनून, मेरा नाम जितेंद्र पाठक है, उसी तरह से आपको विश करना है, गुड आफ्टरनून सर, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है आपको, ये सब चीज़ें आपको इस सबका सम्मान करना है पहले, उसके बाद में सवाल जवाब उनको करना है, ठीक है। ये हो गया एस सुरक्षा रक्षक का काम। फिर बाद में दूसरा अल्फाबेट क्या आता है, हाँ, ई फॉर, ई फॉर ईगल आई, ईगल आई का मतलब, ईगल का मतलब क्या है, चील, चील आसमान में चील होती है बराबर कि नहीं, वो क्या करती है, वहां से ऊपर से भी अपने भक्ष्य को देखती है, इसी तरह हमारी नजर ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नजर से हमको यहाँ से लेके कहाँ कहाँ तक दिखता है, हमको वहाँ वहाँ देखना है और हमारी परिसर का हिफाजत करना है, यानी ईगल आई की तरह हम लोग चील की तरह हम लोग चील की नज़र से हम लोग क्या करेंगे, दाएं देखेंगे यानी लेफ्ट, बाएं, आगे पीछे चारों तरफ हम लोग देखेंगे और इस परिसर की सुरक्षा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, समझ गए, ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ, जैसे हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं सामने ही देखना हमको, हमको लेफ्ट गर्दन हमारी जैसे पंछी की गर्दन देखते हो ना आप, कैसे घूमती रहती है यहाँ से दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे मुड़ के, वैसे हमको देखना रहता है, समझ गए। हम लोग दो कदम आगे भी जाके देख सकते हैं, चलो दो कदम आगे गया तो मेरे को यहाँ से पीछे का भी दिखता है, तो इस तरह से हमको परिसर में जब ड्यूटी करते हैं हम लोग, जहाँ पे ड्यूटी पोस्ट में हम लोग है उस तरफ में सिर्फ बैठे रहना और खड़े रहना एक जगह पे नहीं होता है, चार कदम आगे चार कदम पीछे चार कदम बाएं चार कदम दाएं हमको क्या करना है, निगरानी करना है, सुरक्षा करना है, समझ गई, पहरेदारी दी जैसे हमको ड्यूटी करनी, इस तरह से लेफ्ट राइट आगे पीछे ये चारों तरफ हमको घूम के सबको देखना है, अगर कोई संदिग्ध आदमी दिखाई देता है तो उसको वही पे हमको रोकना है, समझ गए, सवाल जवाब करना है। तो ये काम हो गया, क्या हुआ, सुरक्षा रक्षक का काम जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना, सबका सम्मान करना, उसके बाद में चील की आंखों की तरह तीक्ष्ण नज़र से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना है और परिसर की निगरानी करना है, उसके बाद में सी आता है, क्या आता है, सी फॉर क्या आएगा, सी फॉर करेजियस, करेजियस का मतलब क्या है, अभी हमने देख लिया, हम बहुत कुछ देख लेते हैं, हमारी आंखें हैं, हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, मगर उसके बाद में क्या, सर ये हाँ मैंने देखा था उसको लेकिन मैंने रोका नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए, आवाज चाहिए, पहले आवाज तो चाहिए, आवाज दो, आवाज चाहिए, और क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्या चाहिए, हिम्मत, क्या चाहिए आपको, अगर मैंने देखा वो कुछ कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, यानी गलत आदमी यहाँ पे अंदर आ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे में बोलने की ताकत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए, यानी करेजियस, क्या करूंगा मैं, अगर मुझे कोई दिखाई देता तो मैं उसको क्या करूंगा, रोकूंगा, उसको टोकूंगा, यानी क्या चाहिए मुझे, करेजियस, धाड़स करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, बोलो जोर से,
C for courageous. जोर से बोलो courageous. धाड़स करना. मैं धाड़स करूंगा. क्या करूंगा? मैं धाड़स करूंगा. क्या करूंगा? मैं धाड़स करूंगा. सी फॉर courageous. Courageous यानी धाड़स करना. अगर कोई गलत आदमी दिखाई देता है मुझे, उसको रोकने के लिए मैं अपने आप से धाड़स करूंगा. क्या करूंगा? धाड़स करूंगा. क्या करूंगा आप? धाड़स. सी फॉर courageous. जोर से बोलो courageous. बोलने के लिए भी ये करना चाहिए, धाड़स करना चाहिए. जोर से आवाज निकालोगे तो सामने वाला डरेगा, नहीं तो सामने वाला क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चलेगा उसको. क्या बोलोगे आप? सी फॉर courageous. सी फॉर जोर से बोलो सी फॉर courageous. courageous. मेरी आवाज जितनी है उतनी आपको बोलना है. सी फॉर courageous. हम धाड़ेंगे उसको. धाड़स करना है. क्या करेंगे? धाड़स करना है. समझ गए? क्या बोलोगे आप? सी फॉर courageous. सी फॉर courageous. 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 जोर से बोलो courageous. courageous यानी क्या? धाड़स करना. क्या करोगे आप? धाड़स courageous. सी फॉर courageous. और धाड़स करना. समझ गए? किसी को बोलना है, किसी को रोकना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? धाड़स करूंगा मैं और उसको रोकूंगा. यानी courageous चाहिए. क्या चाहिए? courageous. सी फॉर courageous. सी फॉर courageous. धाड़स करना. क्या बोलोगे आप? सी फॉर courageous. courageous यानी धाड़स करना. सी फॉर courageous. जोर से बोलो एकदम. हमारे में ताकत जब है. जैसे अभी तुम्हारी चालू थी परेड, तो इनकी आवाज कैसी थी? उससे वैसे आवाज चाहिए. बताओ. सी फॉर courageous. जीएस धाड़स करना. क्या? धाड़स करना. आप बोलो. सी फॉर courageous. हाँ बराबर. धाड़स करना. इस तरह से आवाज चाहिए तो सामने वाले को सुनाई देगा, नहीं तो क्या बोलेगा? अरे इसकी आवाज ही पतली है तो सामने वाला रुकेगा क्या? हमारे पास हमारी बात मानेगा क्या? तो हमारे में क्या होना चाहिए? courageous. धाड़स करना. मैं किसी को डरूंगा नहीं और मैं उसको रोकूंगा. मेरे आज्ञा से ही मैं वो अंदर जा सकता है और मेरी आज्ञा से वो बाहर जा सकता है. समझ गए? तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सी फॉर courageous. धाड़स करना. उसके बाद में यू फॉर क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म. सही जवाब दिया. देखो इसने यू फॉर यूनिफॉर्म. जैसे यूनिफॉर्म हमारे कंपनी ने जो यूनिफॉर्म दिया वही कपड़ा हमको पहनना होता है. अलग कपड़े पहनने नहीं है. हमारे कंपनी का क्या होता है? लोगो लगा हुआ रहता है. बराबर कि नहीं? कौन सी कंपनी है हम लोग? हमारी कौन सी कंपनी है? डेल्टा फैसिलिटी सर्विसेज. हम लोग क्या देते हैं? सर्विस दे रहे हैं. किसको? मालिक को दे रहे हैं सर्विस. क्या? समझ गए? तो हमारा यूनिफॉर्म हमेशा साफ सुथरा इस्त्री किया हुआ, शूज हमेशा पॉलिश होना चाहिए, बाल हमेशा कम से कम होने चाहिए और शेविंग हमेशा हमको करनी चाहिए. बराबर. जब भी हम लोग ड्यूटी पे रहेंगे तब हमारी यूनिफॉर्म साफ सुथरी रहनी चाहिए. समझ गए? यू फॉर यूनिफॉर्म. उसके बाद में क्या? यू के बाद आर. सिक्योरिटी में आर होता है. यू के बाद आर फॉर रोबस्ट. क्या बोलोगे? रोबस्ट. सब लोग बोलो जोर से. रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब मजबूत. क्या? रोबस्ट. सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए. आवाज तुम्हारी जोर से निकालो, जितनी जोर से निकाल सकते हो उतनी जोर से निकालना आपको. मजबूत. यानी इंग्लिश में आर फॉर रोबस्ट. रोबस्ट क्या है? रोबस्ट. आर फॉर रोबस्ट. रोबस्ट यानी आर फॉर रोबस्ट. मजबूत. सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए. सामने वाले को मुझे पकड़ना रहेगा तो कैसे पकड़ूंगा? उसके बाद हत्या रहेगा तो मैं कैसे लड़ूंगा? ये सारे चीजों के लिए हमारी मजबूती होनी चाहिए. समझ गए? ओके. सबको समझ में? आर फॉर रोबस्ट यानी मजबूत. उसके बाद में आर के बाद आई फॉर सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? अगर मैं मजबूत नहीं रहा तो अकल बड़ी की भैंस बड़ा. कौन बड़ा? अकल बड़ा. बराबर. इंटेलिजेंट. आई फॉर इंटेलिजेंट. क्या जवाब दिया आपने? इंटेलिजेंट. बराबर कि ना? हमारे पास क्या होना चाहिए? दिमाग भी होना चाहिए. अगर दिमाग है तो हम
किसी से भी लड़ सकते हैं, समझ गए, दिमाग से भी लड़ सकते हैं हम लोग। सामने वाले को रुकाएंगे, बैठिए सर, हम हमारे सीनियर से, हमारे से कोई अगर उलझता है तो हम क्या करेंगे, हमारे सीनियर को, हमारे सुपरवाइजर को बताएंगे, सर ऐसी ऐसी बात है, वो गुस्सा कर रहे, वो नहीं सुन रहे, तो आप उनको ठंडा कर सकते हो, मीठा बात कर सकते हो, उनसे बोलिए बैठिए, पानी पी लीजिए, हम हमारे सर को बुलाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो हमारे पास इंटेलिजेंट दिमाग होना चाहिए, कोई इंसिडेंट होता है, क्या होता है, पुलिस को हम लोग बुला सकते हैं, सबको मालूम है पुलिस का नंबर, अगर हमसे नहीं जमा तो पुलिस को हम लोग बुला सकते हैं, 1000 को कॉल करके हम लोग पुलिस को भी बुला सकते हैं, इंटेलिजेंट दिमाग, सुपरवाइजर को बोलेंगे, नहीं तो कापुर बॉडी पॉलिटिशियन, हमारा कौन सा इलाका है, ये थाने इलाका है, ये बालकुम है, तो हमारा पुलिस स्टेशन कौन सा है, किसी को मालूम है हमारा पुलिस स्टेशन कौन सा है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, इधर का पता नहीं है सर, नजदीक का पुलिस स्टेशन कौन सा हमारा, कापुर बॉडी पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कापुर बॉडी पुलिस स्टेशन का हर एक के पास नंबर होना चाहिए, अगर नंबर है तो हम कहीं कोई भी वक्त पे हम लोग उनको कॉल कर सकते हैं और बीट मार्शल को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, समझ गए आप लोग, उनका नंबर मालूम है आपको, कापुर बॉडी, किसी के पास नंबर है कापुर बॉडी पुलिस स्टेशन का, हाँ नंबर नोट कर लो, 022 है, किसके पास मोबाइल, किसी के पास डायरी पेन है क्या, नंबर नोट कर लो, 022 2533 0098, 022 2533 0098, ओके, 9 के बाद 8, 022 2533 0098। परसों के दिन ऐसे ही मॉल में एक इंसिडेंट हुआ, एक दारू पी के आया लड़का और बोलता मेरी गाड़ी है मैं लेके जा रहा हूँ, और वो धक्का मार के लेके जा रहा था, लेकिन इसके पहले हमको पता चला कि वो पिया हुआ था और धक्का मार के लेके जा रहा था, उसकी गाड़ी उसकी खुद की गाड़ी नहीं थी, एक बार दो बार गिराया उसने, तो ऐसे ही चीज़ें हम लोग अगर कुछ नहीं बोलते ना, मेरा गाड़ी है मैं लेके जा रहा हूँ, चीज़ें ऐसी है कि कोई भी कभी भी हादसा हो सकता है, उस वक्त पे हमको क्या करना है, हमारी बात सुनने वाला नहीं रहेगा तो हमारे को पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना चाहिए, सर यहाँ पे आ जाइए, इस साइड का नाम देना चाहिए, यहाँ पे बीट मार्शल भेजिए, और यहाँ पे मैंने एक चोर पकड़ लिया है उसको लेके जाइए, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट यानी दिमाग से हम लोग काम करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, समझ गए, आई फॉर इंटेलिजेंट, उसके बाद में टी फॉर ट्रेन, सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, ट्रेन यानी ट्रेनिंग लिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, पसारा एक्ट के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड को तब ड्यूटी पे ज्वाइन करना चाहिए जब उसने 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग ली हो, समझ गए, आपने ली है ट्रेनिंग, यस, 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग ऐसे ली है आपने, 21 दिन आपको ट्रेनिंग करनी होती है 8 घंटे की, हर दिन 8 घंटा आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों मालूम होने के लिए, अभी देखो कारपेंटर यूनिफॉर्म पहन लिया, कारपेंटर हुआ क्या, सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहन लिया, सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है क्या, उसको नॉलेज भी होना चाहिए, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा ट्रेंड होना चाहिए, जब वो ड्यूटी पे पोस्ट पे चला जाता है तब उसको सारी सिक्योरिटी गार्ड की को जानकारी लेनी चाहिए, तो वो सब कहाँ मिलेगा, ट्रेनिंग में, अभी मैं क्या ले रहा हूँ आपकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ।